ये 1 किलो कीमा है, इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना मिलाया है मैंने, खसखस और अदरक लहसुन पीस के मिलाया है। और ये मसाला है सूखा, इसमें गरम मसाला है सारा, लाल मिर्चें हैं, थोड़ा धनिया है, नमक है, ये मैं इसमें मिलाती हूँ। भुने चने हैं इसमें, ये मिलाती हूँ और फिर इसके मैं कोफ्ते बनाती हूँ। छोड़ दो हाथ में मेरा। ये है कोफ्ते की प्लेट, देख लीजिए। तेल पकाया है मैंने, तेल में ये प्याज डाल दी पहले, ये प्याज डाली है मैंने भी, और ये मसाला है, इसमें लहसुन अदरक है और थोड़ी हल्दी ली है, धनिया है, मिर्च है किसी भी, ये मैंने अभी प्याज डाली है। थोड़ा प्याज को पहले डाल के अगर भून लेते हैं हम तो उसमें थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है और मसाले का कलर भी अच्छा आता है, कोरमे जैसा हो जाता है कलर भी। आप ये बना के देखिए कोफ्ते, कितने अच्छे कोफ्ते बनते हैं। 1 किलो जैसे कीमा लिया, उसमें आपने हरा धनिया, पुदीना, प्याज, अदरक, हरी मिर्च मिलाई, फिर प्याज आपने खसखस, लहसुन, अदरक तिल पे पीस के उसमें कीमे मिला लिया, ये मसाला सब मिला के, चने और गरम मसाला पीस के मिला लिया, मिला के ये सबको मिलाया कीमे में, फिर ये कोफ्ते इस तरह से हो जाते हैं। ये सब मसाला मिलाने के बाद इस तरह से बनते हैं। अब मैंने ये प्याज डाली है, प्याज डाल के ये मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मसाला भून जाएगा। मसाला भुनने के बाद फिर मैं इसमें कोफ्ते बनाऊँगी, छोड़ूंगी, फिर आपकी मर्जी है, आप कितना पतला रख सकते हैं, सूखा रख सकते हैं, आप थोड़ा क्या ग्रेवी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, खाना पसंद करते ग्रेवी तो आप भुना बना सकते हैं आप इसको। आज ये मेरी तरह से आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी,